सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने बोली, एक मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, मेरे दिमाग में अनायास आ गया है। ये सारी चीजें करने से किसको फायदा किसको नुकसान होता है। एक पिक्चर आई थी माई नेम इज खान, कुछ लोगों ने या बोलिए सबने या कैसे भी जो भी बोलना हो बोल लीजिए, ये सारी चीजें हरकतें थी। उस पिक्चर में दिखाया गया था केवल सरनेम खान होने के कारण कितनी प्रॉब्लम आती है, कितना बड़ा नुकसान होता है। आपको पता है जिन जो लोग ये ऐसा करते हैं, फिर दोष ये मत दीजिएगा कि जी ब्रिटेन हमें वीजा नहीं दे रहा है, अमेरिका हमें निकाल रहा है, चाइना हमारे। और एक सबसे बड़ा चीज, अब चाइना बोलेगा कि देखो हम जो कर रहे हैं वो सही है, अब और देश बोलेंगे कि हम जो कर रहे हैं, फ्रांस बोलेगा कि हमने जो किया वो सही है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का, हम तो डूबेंगे ही सनम, और जो शांति से जीना चाहते हैं उनको भी पूरी दुनिया में हम डुबो के छोड़ेंगे। रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पूरी दुनिया में जाता है। ये चीजें अभी नहीं दिखाई दे रही है, ये चीजें तब दिखाई देंगी जब अपना पासपोर्ट लेके कहीं खड़े होगे और वो नाम देख करके वहां पे आपको 4 बार ऊपर से लेके नीचे तक दिखेगा। अरे कुछ तो अकल करिए, ये बड़े लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होते हैं इन सब चीजों के। नहीं से जुदा वालों से आप प्रभावित हो रहे हैं, सनातन से जुदा नहीं नहीं वालों हम से। कौन प्रभावित नहीं, सबसे कौन बड़े प्रभावित सब किससे हो रहा है? अरे जो मैंने आपको माय नेम सनातन इज खान वाला बताया, इसका असर सुनिए, उन्हीं लोगों को पड़ेगा जो अच्छे बारीकारी से बोलते ईमानदार रहना। शांतिप्रिय लोग हैं उस कौम में, उसका असर उनके ऊपर चलो योगेश पड़ेगा जी की भी जब राय वो ले लेते जाएंगे हैं, अपना पासपोर्ट लेके कहीं। योगेश जी की भी राय ले लेते हैं। आपकी बात आ गई, खान किस वाली तरह बात की आपकी आ गई। ठीक ग्लोबल इमेज ये बना रहे हैं अपनी, इनको नहीं है, पता सही, है। ठीक ऐसे में है, फ्रांस सही बोलेगा बात, कि मैंने सही किया, सही शिनजियांग में बात चाइना बोलते बोलेगा हैं, कि मैं सही कर रहा हूं। कि सही बात। देखिए अलकायदा एक आतंकवादी संगठन था, 10 20 25 50 हजार 1 लाख लोग वो थे। उन्होंने जो इमेज बनाई, पूरी भुगतना किसको पड़ा, पूरी दुनिया भर के मुसलमानों को, हर जगह शक की निगाह से। रोहिंग्या कुछ मुसलमान थे, बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसी भगदड़ मचाई कि उनके कारण जलील और शक की निगाह से सारे मुसलमान देखे जा सकते हैं। तो मैं अपील ये करना चाहूंगा कि भाई आप ऐसी हरकतें मत करिए। कुछ लोग हरकतें करते हैं और इमेज जो है पूरी दुनिया भर में फजीहत शुरू हो जाती है। रही बात पॉलिटिक्स की शिफ्ट होने की है, ऐसा कोई प्लान तो था नहीं कि भाई नूपुर शर्मा को स्ट्रेटजी के तहत बैठा दिया गया कि भाई यही बोलो ताकि कश्मीर का मुद्दा हो जाए। कश्मीर का अगर मुद्दा था तो मैं ये बोलता हूँ इंटरनेशनल हस्तियों को कूदने की क्या जरूरत है। अल जजीरा एक चैनल है, उसकी कथा मैं बताऊंगा आपको। सऊदी अरब ने कुवैत के ऊपर बैन लगाया था, तो उसमें एक डिमांड ये भी थी कि अल जजीरा के ऊपर बैन लगाइए। एक मुस्लिम कंट्री ने ही अल जजीरा के ऊपर बैन लगाने को लेकर शिकायत की थी। तो तहे इसकी बहुत गहरी है, अब आपका वो विषय नहीं है, नहीं तो इस षड्यंत्र के ऊपर भी बात किया जाता कि कैसे कैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोलता हूँ, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई एक घटना हुई पता नहीं क्या, अरे घटना हुई तो आप पुलिस में जाओ, कोर्ट में जाओ, आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास जाओ। यहां नहीं गए, वो टैग करके पता नहीं कहाँ कहाँ किसकी गोद में जाके बैठ गए। जब तक आप दूसरों की गोद में बैठे रहेंगे, पता नहीं किस ख्वाब में आप जी रहे हैं, कौन से युग में जी रहे हैं, कहाँ किसकी गोद में जा करके आप बैठ रहे हैं। आपको लगता है कि कोई आपको मदद करने के लिए आएगा, ये कोई मदद उदत नहीं है। जो ओआईसी वाले, मैं बोलता हूँ इतने हिमायती हैं हमारे देश के लिए या देश के मुसलमानों के लिए, तो 25% फ्री दे देना तेल, इसी नाम पे दे दें, जकात के नाम पे तेल दे दें, तेल के दाम तो बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि सब लोगों को ये समझना चाहिए, करता कोई है वो किसी के बहकावे में आके करता है। और पूरी दुनिया भर में मैं बोलता हूँ बहुत सारे अच्छे मुसलमान भी होंगे, पढ़ने वाले हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी प्रतिभा पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब किस मुंह से आप बोलेंगे। मैं तो बोलूंगा कि भाई इसराइल जो पाठ पढ़ा रहा है वही पाठ सही है, चाइना जो पढ़ा रहा है शिनजियांग में वही पाठ सही है, फ्रांस ने जो पाठ पढ़ाया, दुनिया दुनिया के लोग तो यही बोलेंगे ना। तो भाई थोड़ा अकल से काम लीजिए जो भी है।